दोस्तों आज हम केवल लहसुन के बारे में बात करेंगे कि इस लहसुन के यूज़ से आप किस प्रकार से इंसेक्ट किलर को बना करके तैयार कर सकते हो। दोस्तों आज हम आपको बहुत बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं कि आप घर पर किस प्रकार से, जो आपके घर पर लहसुन होता है, उससे आप किस प्रकार से अपने पेड़ पौधे के इंसेक्ट का खात्मा कर सकते हैं। दोस्तों आप तो वीडियो सभी का देखते होंगे कि लहसुन से आप किस प्रकार से अपने पेड़ पौधे में इंसेक्ट का खात्मा कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे आपको समझ में आएगा नहीं कि ये सही में वर्क करता है या नहीं। लेकिन दोस्तों आज जो मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ ये बहुत आसान तरीका है, इसे आप एक बार वीडियो को देख करके समझ करके अपने पौधे में ज़रूर यूज़ कीजिएगा और अपने पौधे से इंसेक्ट को आसानी से भगाइएगा। दोस्तों इसे बनाने के लिए क्या करना है कि आपको कुछ लहसुन ले लेना है और लहसुन को अच्छे से इस तरीके से छील लेना है, इसके छिलके को अच्छे से निकाल लेना है, इसका जो जड़ होता है उसे भी नहीं फेंकना है, उसे भी इस तरीके से निकाल लेना है। तो इस तरीके से छिलकों को उतार लेना है, छिलके को उतार करके आपको इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। आप अपने घर पर 1 किलो 2 किलो लहसुन लाते हैं, उसे अच्छे से इस तरीके से सफाई करते हैं, उसके छिलके को निकालते हैं, तो उसे आपको बिल्कुल भी फेंकना नहीं। तो आप देख सकते हैं हम इस तरीके से छिलके को निकाल लिए हैं, तो कहने का यह मतलब है कि आपको छिलके को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। और इस तरीके से देखिए, ये मेरा 10 लहसुन का छिलका है। आप देखिए जो भी छिलके में अर्घ होते हैं वो इस पानी में आ गए हैं और इस पानी का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अगर आपके पौधे की मिट्टी में बहुत ज़्यादा कीड़े मकौड़े लग रहे हैं तो इसके प्रयोग से वो तुरंत भाग जाते हैं दोस्तों, और कोई भी कीट पतंगे फंगस चींटियां लग रही है इसके महक से वो कभी भी प्लांट में नहीं आते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है, ये आप अपने पौधे में यूज़ करेंगे। ये एक घर का बनाया हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र भी है एक तरह से कीड़े मकौड़ों को भगाने के लिए, ये आपके पौधे में कोई भी नुकसान नहीं करेगा। इसके लिक्विड को यूज़ करके दोस्तों जो भी ये छिलके बचते हैं लहसुन के, इसे आपको बिल्कुल भी फेंकना नहीं। आप अपने घर पर वर्मी कंपोस्ट बनाते होंगे तो उसमें आपको इसे यूज़ कर लेना है। अब हम बात करते हैं कि आप लहसुन से किस प्रकार से अपने पौधे में इंसेक्ट किलर का खात्मा कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बेस्ट तरीका बताते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपको लहसुन ले लेना है, लहसुन को ले करके आपको मिक्सी जार में इसे पीस लेना है। इसे देखिए मिक्सी जार में हम ग्राइंड कर लिए हैं, ग्राइंड करके हम रखे हैं। तो इस तरीके से आपको लहसुन का पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाते टाइम ध्यान रखिए आपको थोड़ा भी पानी नहीं मिलाना है, बिना पानी का आपको पेस्ट बनाना है। देखिए हम इसका पेस्ट बना के रख लिए हैं लहसुन का, और थोड़ा भी पानी नहीं मिलाया है। आप देख सकते हैं इसका पेस्ट कितना गाढ़ा और थिक लग रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक सूती का कपड़ा लेंगे। देखिए हम एक सूती का कपड़ा लिए हैं और इस पेस्ट को इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरीके से डाल दे रहे हैं, और डालने के बाद इसे एकदम निचोड़ेंगे अच्छे से, ताकि इसमें जो भी रस है, आप सोच रहे होंगे कि इसमें पानी तो डाले नहीं है लेकिन रस कहाँ से आएगा, वो परफेक्ट रस होगा, प्योर लहसुन का रस होगा। तो ये देखिए ये जो रस निकल रहा है निचोड़ने के बाद, ये प्योर लहसुन का रस है। तो यही रस जो है हमारे पेड़ पौधे में इंसेक्ट किलर का खात्मा करेगा। पत्तियों में अगर ब्लैक ब्लैक टाइप के कीड़े लग जा रहे हैं, भुआ पिल्लू कोई भी तरह का कीड़ा है, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये देखिए कितना सारा रस निकला है, जितना भी निकले आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। देखिए ये जो पेस्ट बनाए हैं दोस्तों, ये कम से कम ये 10 लहसुन की कलियों का पेस्ट है, और आराम से ये मिक्सी में पीस जाता है। तो ये जो रेसिड्यू बचा है इसे बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। 10 लीटर पानी में इस रेसिड्यू को डाल करके 3 दिन तक छोड़ देना है। उसके बाद इसे पौधे की सिर्फ मिट्टी में अप्लाई करना है, सिर्फ मिट्टी में डालना है। इसे हम यूज़ करेंगे दोस्तों, इसीलिए हम इसे रख दे रहे हैं साइड। इस तरीके से जो हम तरीका बताए हैं इसी तरीके से आपको अपने पौधे में यूज़ करना है, और छिड़काव करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं कुछ पानी, इतना कम से कम 1 लीटर हम पानी ले रहे हैं। 1 लीटर पानी ले लिए, इसमें थोड़ा पानी रहने दे रहे हैं। अब इसमें डालेंगे ये लहसुन का पेस्ट, क्योंकि एक बहुत दमदार लहसुन का पेस्ट बना है, इसीलिए हम इसमें सिर्फ 2 चम्मच यूज़ कर रहे हैं। 1 लीटर पानी में 2 टेबल स्पून लहसुन का रस, और इसमें और इसे बेहतरीन बनाने के लिए इसमें मिला सकते हैं आधी छोटी चम्मच
हल्दी। हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होता है, ये भी हमारे पौधे को कीड़े मकोड़े से दूर रखता है। और इसमें थोड़ा सा यूज़ करेंगे ऑयल, तो ऑयल कौन सा यूज़ करें दोस्तों, ये है नवरत्न तेल। ये आपको कोई भी शॉप में मिल जाएगा, ये एक ठंडा तेल होता है जो हमारे पेड़ पौधे में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसे हम कितना यूज़ करेंगे, पहले से कट कर ले रहे हैं। तो इसे हम यूज़ करेंगे दोस्तों 3 से 4 बूंद, थोड़ा ज़्यादा भी 1-2 बूंद गिर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ख़राबी नहीं करेगा। अब ये बन करके तैयार हो गया है, तो चलिए अब इसे स्प्रे बॉटल में डाल लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि पौधे में इसे स्प्रे करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। पत्तियों में कोई भी कीट पतंगे लगी रहती है तो वो भाग जाती है। तो इस तरीके से स्प्रे बॉटल में हम पूरा डाल लिए हैं, इसके बाद इसी से स्प्रे करेंगे। तो दोस्तों इसे कब स्प्रे करना है, इसे जैसे कि बहुत ज़्यादा भी गर्मी पड़ रही है तो आप इसे धूप में मत यूज़ कीजिए, आप इसे शाम में 4 से 5 के बीच यूज़ कीजिए या फिर सुबह में 10 बजे से पहले यूज़ कीजिए। ठंडे में आप कभी भी यूज़ करेंगे, धूप में भी यूज़ करेंगे तो ये उल्टा रिजल्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन गर्मियों में थोड़ा रिस्क हो जाता है, हो सकता है ये आपके पौधे को ख़राब कर दे। इसीलिए आप गर्मियों में जब धूप नहीं रहे पौधे में तब आप स्प्रे कीजिए। हम आपको इसलिए सारा कुछ बता देते हैं दोस्तों क्योंकि आप मेरे कहने पे ये यूज़ करेंगे, अगर आपको उल्टा रिजल्ट देगा तो आप मुझे बोलेंगे, इसीलिए मैं आपको सारा कुछ बता दे रही हूँ कि आपको इसे कब यूज़ करना है और कैसे बनाना है अपने पौधे में। और एक तरीका बताते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 जार और यहाँ पर ले लिए हैं मिक्सी। तो इसे कैसे यूज़ करना है, देखिए ये है कुछ एलोवेरा के टुकड़े। एलोवेरा के टुकड़े तो कहीं भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपके घर पर अगर एलोवेरा नहीं है तो आप ज़रूर रखिए, ये बहुत बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे एलोवेरा के कुछ टुकड़े यानी कि एलोवेरा जेल को निकाल करके, और यहाँ पे लेना है 1 मुट्ठी नीम के पत्ते। एलोवेरा जेल और 1 मुट्ठी नीम के पत्ते को मिला करके इस तरीके से मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। देखिए दोस्तों हम ग्राइंड कर लिए हैं, अब इसे क्या करना है कि इसे छान लेना है। तो इसे भी हम सूती के कपड़े से छान ले रहे हैं, सूती के कपड़े से बहुत अच्छे से छनाता है। इस तरीके से देखिए निचोड़ लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि इसका रस निकल गया है तो इसमें कम से कम 1 लीटर पानी मिला लेंगे। इस तरीके से देखिए 1 लीटर पानी मिला के अब ये जो बन करके तैयार हुआ है इससे हम अपने पौधे को शावर करेंगे, यानी कि बहुत अच्छे से नहलाएंगे। गर्मियों में पौधे में शावर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी पत्तियों में अगर कीड़ा आ जाता है तो वो पूरे पौधे को ख़राब कर देता है। तो शावर बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और इस तरीके से आप शावर करेंगे तो आपके पौधे में कभी भी कीट पतंगे नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों पौधे में इसे सावन करना है। और आप सोच रहे होंगे कि जब हम इसे यूज़ करेंगे तो ये एलोवेरा वाला को हम कब यूज़ करेंगे, तो इसे यूज़ करने के बाद दोस्तों 15 दिन के बाद आपको ये एलोवेरा और नीम वाला पेस्ट को यूज़ करना है। इसे यूज़ करने से क्या होगा कि आपके पौधे की पत्तियों में चमक आएगी। ऐसे तो सावर सादा पानी से भी हो जाता है, लेकिन इसे यूज़ करने से आपके पौधे में बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, पत्तियों में चमक आएगी, फ्लावर जो निकलेगा उसका कलर उभर कर आएगा और पत्तियां भी जो है वो बहुत अच्छी खिली खिली रहेगी। और एक बात बता देते हैं दोस्तों कि आपके पौधे को सावर की बहुत ज़रूरत होती है। आप अपने पौधे की टाइम टू टाइम कुड़ाई करते रहे, यानी कि सप्ताह में 2 बार कुड़ाई ज़रूर कीजिए और पत्तियों में हमेशा सावर कीजिए। ये अगर इस चीज़ से आप सावर करते तो आपके पौधे में कभी भी कोई भी रोग नहीं आएगा, पौधे की पत्तियां कभी भी नहीं जलेगी। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आपको अपने पौधे में किस तरीके से छिड़काव करना है। पौधे के ऊपरी भाग में तो हम छिड़काव करते ही हैं, लेकिन आज हम आपको सही तरीका बताएंगे कि आपको कैसे अपने पौधे की छिड़काव करना है और कीड़े कहाँ होते हैं पौधे में। तो इस तरीके से देखिए स्प्रे बोतल बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ये मेरा पौधा है, तो स्प्रे आप जैसे ऊपर ऊपर कर देते हैं, लेकिन नहीं, आपको इस तरीके से नीचे नीचे स्प्रे करना है, क्योंकि जो पत्तियाँ होती है उसके पीछे पीछे कीड़े लगे होते हैं जो वाइट वाइट दिखते हैं, और
पौधे को ख़राब करते जाते हैं। तो ये देखिए मेरा गुलाब का पौधा है, इसे हम कुछ दिन पहले इसमें कुछ दवाई डाले थे जिससे इसका फूलों का साइज़ बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन इस गुलाब में आप देख सकते हैं इसका साइज़ बिल्कुल छोटा हो गया है, क्योंकि इसमें एक प्रकार का कीड़ा होता है जो फूलों के साइज़ को छोटा कर देता है, तो ये तरीक़ा से वो तुरंत भाग जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों एक पत्ता हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इसमें ये पत्तियाँ वाइट वाइट जो आप देख रही है पाउडर मिल्यू का अटैक है जो पौधे के फूल का साइज़ को छोटा कर देता है। तो इस तरीके से देखिए ऊपर ऊपर में तो स्प्रे करना ही है और इस तरीके से पौधे के पीछे पीछे भाग में अच्छे से स्प्रे करना है ताकि पीछे पीछे में कोई भी कीड़े हैं तो वो तुरंत भाग जाए। 15 दिन में एक बार इस तरीके से सावर जरूर दिया करिए दोस्तों अपने पौधे में, इस तरीके से आपके पौधे बिल्कुल हरे भरे रहेंगे और पौधे हमेशा रोग से दूर रहेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।